आपका जो स्टैमरिंग है वो पूरे वर्ड पे होता है क्या? नहीं, वो आपके वर्ड के पहले अक्षर पे होता है। फाउंडेशन टेक्निक के साथ उनके फाउंडेशन आते हैं, हर सीरीज का एक फाउंडेशन होता है। तो पहला पॉइंट, ब्रीदिंग स्टेट को मेंटेन रखना, ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, बेसिक को फॉलो करना, वन वर्ड को फॉलो करना, स्टेज को फॉलो करना, क्लैरिटी को फॉलो करना, बेसिक बॉडी मूवमेंट को फॉलो करना, ये भी हो सकता है। अगर आपको अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तो आपका जो स्टैमरिंग है वो पूरे वर्ड पे होता है क्या? नहीं, वो आपके वर्ड के पहले अक्षर पे होता है, राइट? तो पहले अक्षर को निकालने के लिए हमने क्या क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा है स्ट्रेच करना, राइट? हैंड मूवमेंट से सिंक करना, नेक मूवमेंट से सिंक करना, और अदर देन दिस हमने माउथ ओपनिंग भी सीखा एज पर वॉवल। ये तो था अपना बेसिक। अब हम सीख रहे हैं उसका एडवांस। तो जो आपका पहला वर्ड है, पहला अक्षर है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एग्जैक्टली पहला अक्षर कौन सा है। क्या वो बार बार रिपीट हो रहा है बोलते समय, वो हमें देखना है। और अगर वो रिपीट हो रहा है तो कौन सा वर्ड ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो आपके सामने जो फाउंडेशन टेक्निक था जो आपने लिखा है, तो फाउंडेशन टेक्निक के साथ उनके फाउंडेशन आते हैं, हर सीरीज का एक फाउंडेशन होता है। तो अगर आप बस ये याद रखें कि जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे उसका अगर आप पहले अक्षर का फाउंडेशन अगर आपको पता है और अगर आपका फोकस वहाँ पे जाता है और साथ में एज पर वॉवल अगर आपका माउथ ओपन होता है या स्ट्रेच होता है, अदर देन दिस अगर आपका बॉडी जो हमने अभी तक टेक्निक सीखा है वो अगर कंबाइन होता है विद द ब्लॉकेज टेक्निक, ब्लॉकेज टेक्निक इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो आप नोटिस करते हैं आपका स्टैमरिंग नहीं होता है या फिर आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं विदाउट स्टैमरिंग, ठीक है? तो फाउंडेशन टेक्निक तभी अप्लाई करना है जब उसकी ज़रूरत पड़े। अदर देन दिस अगर आप नॉर्मली बॉडी पोस्चर सही रखते हुए अपने बेसिक टेक्निक से भी बात करते हैं तो आपके सारे वर्ड वैसे भी निकल जाते हैं, बट कोई एक वर्ड है जो आपके नहीं आता है आपसे, तो उस समय फाउंडेशन प्लस ब्लॉकेज टेक्निक का इस्तेमाल करके वर्ड आप निकाल सकते हैं। हमेशा ही फाउंडेशन चेक करने से ब्लॉकेज निकलता है ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपके एंग्जाइटी की वजह से भी वो प्रॉब्लम देता है। तो पहला पॉइंट, ब्रीदिंग स्टेट को मेंटेन रखना, ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, बेसिक को फॉलो करना, वन वर्ड को फॉलो करना, स्टेज को फॉलो करना, क्लैरिटी को फॉलो करना, बेसिक बॉडी मूवमेंट को फॉलो करना, ये भी हो सकता है। अगर गलती से आपका स्पीड बढ़ता है तो भी क्या होता है, वो फाउंडेशन किसी काम का नहीं है। तो बेसिकली आपको बेसिक रूल्स के साथ आगे बढ़ना है और जब ज़रूरत पड़े तब एडवांस को यूज़ करना है। एडवांस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि एडवांस सीखा मतलब आ जाता है। क्या होता है, बहुत बार स्पीड में बात करते हैं तो बहुत बार कोई भी टेक्निक काम नहीं करते। इसलिए स्टार्टिंग से ही स्पीड कंट्रोल में, ब्रीदिंग कंट्रोल में और बेसिक रूल्स अगर जाते हैं तो ये फाउंडेशन आपका हर बार आपको हेल्प करेगा। गॉट इट? तो पहले हम लोग सीखते हैं फाउंडेशन कैसे कैसे चेक करने होते हैं, और उसके बाद हम लोग सीखते हैं फाउंडेशन सीखने के बाद कि अब आपको ब्लॉकेज कैसे ओवरकम करना है। ब्लॉकेज कौन कौन से? सिंगल कॉन्सनेंट, सिंगल वॉवल, डबल कॉन्सनेंट, ट्रिपल कॉन्सनेंट, ये कैसे आपको ओवरकम करना है ये हम अभी देखते हैं।